कर रहे हैं आप लोग? स्टॉप, यहीं से एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे की ओर, सांस को भरते हुए स्टॉप। अब हाथों को सामने की तरफ रखेंगे, क्या करें, बिल्कुल सुस्त तरह से हाथों को क्लोज करेंगे, ऐसे नहीं, उंगलियां देखें, पूरे हाथ खोले, हथेली दिखाएं, छोटे से क्लोज करेंगे हथेली और उंगलियों और अंगूठे का, सांस को छोड़ते हुए बाहर, फिर सांस को लेते हुए अंदर, अब इसकी स्पीड बढ़ाएंगे लगातार, सांस को लेते हुए छोड़ते हुए करेंगे। स्टॉप, अब क्या करेंगे, पूरी हथेली की मुट्ठी बंद करेंगे, सांस को छोड़ते हुए बाहर खोल देंगे, सभी हथेली शो करें अपनी, सांस को लेते हुए हथेली बंद, स्टॉप, कुछ महसूस हुआ हाथों में, अब क्या करेंगे, आपके हथेली की मुट्ठी बंद करेंगे और उसको रोटेट करेंगे अंदर से बाहर की ओर, ये सब सूक्ष्म व्यायाम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सांसों को नियंत्रित करेंगे आप, चेंज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अब क्या करना, दोनों हाथों को मिला दीजिए और अब इसको टर्न करिए, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, चेंज रोटेशन, ओके स्टॉप, दोबारा से अपने हाथ शोल्डर पर रखिए और रोटेशन करेंगे आगे से पीछे की ओर, आपके जो बाजू हैं आप करते रहिए, आपके जो बाजू हैं आपके कान से टच होने चाहिए, चेंज रोटेशन रिवर्स, स्टॉप, वापिस सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को स्प्रेड करिए, खोल दीजिए, कोई किसी को टक्कर नहीं लगाएगा, आगे पीछे हो जाएंगे, ओके, जैसे मैं बोलूँगा लेफ्ट टर्न, तो आप मेरा लेफ्ट ये रहेगा, आपका लेफ्ट उस साइड जाएगा, अंडरस्टैंड, टर्न लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ओके, अब इसी में दोबारा से इस रोटेशन में क्या करेंगे, लेफ्ट टर्न होंगे तो दूसरे हाथ को अपने कंधे पे रखेंगे, देखो मैं दिखाता हूँ किस प्रकार आप टर्न हुए, आप इस टच करेंगे शोल्डर से, ओके करें, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, स्टॉप, साधन की मुद्रा में आ जाइए, अब हम करेंगे, अब आपको क्या करना है, नीकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, आपने दोनों हाथों के सामने रखिए और थोड़ा सा बैठना है सुस्त, देखो मैं बताता हूँ, पहले मेरे को देखेंगे ऐसे, ठीक है, स्टार्ट करें, 1-2 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे बैठेंगे, 2 पे खड़े हो जाएंगे, सांसों को मेंटेन करना है, ये नहीं कि ऐसे मुंह को बंद नहीं करना है, ओके, डाउन अप डाउन अप अप, ओके स्टॉप, अब क्या करेंगे, हम ताड़ासन करेंगे, क्या करेंगे, सभी सुना ताड़ासन का नाम, ताड़ासन में आप रिलैक्स हो जाइए 2 मिनट के लिए, ताड़ासन क्या होता है, ताड़ का मतलब होता है वृक्ष, ताड़ एक वृक्ष है जिसकी हाइट बहुत ऊंची होती है, तो क्या बच्चे छोटे होते हैं उन्हें क्या हाइट बढ़ाने का शौक होता है, जरूरत भी है, तो क्या करते हैं, वृक्ष समान अपने शरीर को ऊपर खींचना है, क्या करना है, शरीर को साधक की साधन मुद्रा में रहेगा, दोनों हाथों को जॉइंट करेंगे, आप हाथ ऐसे लाएंगे ऊपर, मुझे फॉलो करिए, हाथों को आपस में जॉइंट करिए ऐसे, और अपनी कलाई को देखो ऐसे, सब देख पा रहे हैं, ठीक है, शरीर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और पंजों पे हाइट ऊपर आएंगे और शरीर को ऊपर खींचेंगे, सांस को भरते हुए, होल्ड इट डाउन, अगेन स्ट्रेच, कंटिन्यू करते रहिए, मैं कुछ बोलूंगा,
जो बच्चे ठीक से नहीं करेंगे उनके हेड नीची ले जाएगी, छोटी ले जाएगी, ठीक है। इसको आप सुबह बिस्तर से उठते टाइम करिए ताकि आपके हाइट जल्दी बढ़ जाए और मम्मी को बोल उठा ना पिलाना पड़े। ओके स्ट्रेच, ओके सावधान। ये कंटिन्यू करने का एक्सरसाइज है, अभी हम आपको थोड़ा बताएंगे, आप अपने घर पे प्रतिदिन करेंगे इसको। ये कौन सा आसन था? ताड़ासन। कौन सा आसन था? अब नेक्स्ट हम यहाँ बताएंगे आपको पाद हस्तासन। संस्कृत का मैं पाद मतलब पाँव और हस्त मतलब हाथ, तो पाँव हाथ को पाँव के यहाँ पर टच करना है और कोशिश की जाएगी। अभी आप प्रथम बार कर रहे हैं तो वहाँ दिक्कत आएगी। अपने नाक को घुटनों में टच करना है या दोनों पाँव के बीच मिलाना है। सांस को भरते ऊपर जाएंगे, सांस को नीचे से नीचे लाएंगे। पहले मैं एक बार करके दिखाता हूँ, आप मुझे फॉलो करेंगे बाद में सेकंड टाइम। जैसे आप आए मैं करके दिखाता हूँ, हाथों को नीचे ले जाएंगे, यथासंभव अपनी शक्ति के हिसाब से पाँव को टच करेंगे। जिससे होता है शरीर नाक को भी पाँव से टच करना है। ओके, दोनों हाथ राइज योर हैंड अप, शरीर को ऊपर ले जाइए। चलिए डाउन, होल्ड इट। इस पोजिशन थोड़ी देर होल्ड करेंगे अप। योग में कोई पोजिशन को थोड़ी देर होल्ड करेंगे उसी से इसका परिणाम निकलेगा। अगेन मूव डाउन, अप आप देखना इस बार मैं अपनी नाक को अपने घुटने में टच करके दिखाऊंगा आपको, आप लोग भी करके दिखाएंगे मुझे। ओके डाउन अप स्टॉप। सावधान, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है आपको? यस सर। ये लोग प्रतिदिन करेंगे आप ये? यस सर। पक्का? यस सर। अब हम बताएंगे आपको अर्ध चक्रासन। चक्र का मतलब क्या होता है? सर्कल। अर्ध का मतलब आधा। आप क्या करेंगे, दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, सांसों को नियमित रखेंगे, रोकने की जरूरत नहीं है वरना रुक जाएगी। शरीर को मूवमेंट करेंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे। यथासंभव करेंगे, जितना होता है आपसे उतना करेंगे। सांस को भरते पीछे आएंगे, होल्ड करेंगे, नहीं तो वापस आगे आ जाएंगे। अगेन डाउन, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बहुत अच्छे कर रहे हैं, टीचर लोग भी सहयोग कर रहे हैं आपको। दोबारा से पीछे तरफ झुक जाइए, डाउन अगेन डाउन स्टॉप। सावधान की मुद्रा में आ जाइए। ये कौन सा आसन था? अर्ध चक्रासन। क्या है कि कई बच्चों का प्रथम बार होगा तो चक्रासन पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। आप करके दिखाएंगे चक्रासन? चक्रासन आते हैं ना? हाँ ओके गुड। आप बेटा करके दो ये चक्रासन, देखिए ये बच्ची हमारे स्कूल की सबसे बेस्ट योगा कर सकती है। देखिए चक्रासन ये होता है पूर्ण चक्रासन, यह चक्रासन देख सकते हैं आप। क्लिपिंग ओके। देखिए ये सिंपल तरीके से बताया था इन्होंने, ये इनका शरीर बहुत फ्लेक्सिबल हो चुका है। आपको सिंपल तरीके से आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पे लेट जाएंगे सब बताया। जिस प्रकार लेट गए, अपने पाँव को नजदीक ले आए, हाथों को पीछे रखा आपने, यथासंभव नजदीक आए और रोक कर दिया। उचित है, जैसे जैसे आप निरंतर प्रयास करेंगे आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। ये कौन सा आसन था? चक्रासन। कौन सा? पहले हमने जो करा था वो अर्ध चक्रासन था, अब की बार जो बताया गया है ये कौन सा है? चक्रासन। चक्र का मतलब सर्कल है ना, शरीर को पूरा हमने चक्र की तरह गोल कर दिया। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन का मतलब क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल समझते हो, तीन शेप बत्ती। पाँव को थोड़ा खोल लें आप, अपने दोनों हाथों को खोलें। अब क्या करना है, अपने राइट हैंड से लेफ्ट पाँव को टच करना है पंजों को, फिर जब चेंज करेंगे तो अगेन लेफ्ट हैंड से राइट पैर के टोज को टच करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट पाँव के टो को टच करेंगे। स्टार्ट, होल्ड करेंगे यहाँ पे थोड़ी देर, चेंज 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 ओके अगेन। दोनों पाँव को खोलिए, दोनों हाथ को स्ट्रेट करिए।
हम आपको बताएंगे इसमें सबसे फेमस आसन है तितली आसन, इसको बटरफ्लाई भी कहते हैं। आप सांसों को भरते हुए